आज हम एमएस एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाते हैं और किस प्रकार से किन किन फार्मूलों का उपयोग होता है, यह हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने पहले से ही डाटा कंप्लीट करके रखा है, जिसमें मैंने मार्कशीट लिखा हुआ है, स्टूडेंट रिजल्ट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में नीचे है रोल नंबर, स्टूडेंट नेम है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश, और उसके बाद मैथ्स है साइंस है, और यहाँ पे टोटल है मैक्स है मिनिमम है, और यहाँ पे आगे टोटल मार्क कितना होना चाहिए वो है, और यहाँ पे एवरेज है, एवरेज निकालेंगे हम, फिर रिजल्ट निकालेंगे पास फेल वाला, ग्रेड बताएंगे, और लास्ट में हम बताएंगे रैंक। तो इस प्रकार से हम सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम मार्कशीट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने मार्कशीट को सिलेक्ट कर लिया। अब हम मर्ज में जाएंगे, इसे मर्ज कर लेंगे। उसके बाद में इसका रो थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, और इसका रो बड़ा करने के बाद में हम जी उसके बाद में हम इसे फॉन्ट बड़े कर लेंगे, और हम फॉन्ट थोड़े से चेंज करके देखेंगे। यहाँ से फॉन्ट चेंज होते हैं, इस प्रकार से फॉन्ट चेंज कर लिए हमने, लुक में थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए इसे हम फिर से एक बार सिलेक्ट करेंगे, और बैकग्राउंड कलर दे देंगे ताकि हमारी रिजल्ट शीट है थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे। ये हमने बैकग्राउंड कलर दिया। अब हम फॉन्ट कलर दे देंगे, ये हमने फॉन्ट कलर दे दिया। ऐसे कैसे हम स्टूडेंट रिजल्ट को भी पूरा सिलेक्ट करेंगे, और मर्ज में जाके इसे मर्ज करेंगे पहले हम। ये हमने मर्ज किया है, उसके बाद में हम स्प्लिंग थोड़ी सी टिक करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में हमने फॉन्ट में जाके फॉन्ट सिलेक्ट किया। ये हमारे फॉन्ट सिलेक्ट हो गए हैं। बैकग्राउंड कलर देंगे फॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद में। इस प्रकार से हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया है। फॉन्ट कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ये हमने फॉन्ट कलर चेंज कर लिया है। दोस्तों, इस प्रकार से ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, और नीचे की लाइन जो है रो स्टूडेंट वाली, उसे भी हम इसी प्रकार से ये हमने बोल्ड किया है। यहाँ पे बोल्ड करने के बाद में एक पॉइंट या दो पॉइंट हम फॉन्ट बढ़ा के फॉन्ट कलर चेंज कर लेंगे। ये हमने फॉन्ट कलर चेंज कर लिया। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गई है। अब हम दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से जैसे ये आधे आधे जो नाम दिख रहे हैं आपको, इसे हम पूरी तरह से कंप्लीट कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये हमने सिलेक्ट किया, ये ड्रैग करेंगे, इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं, या तो फिर हम इसे पूरा कंप्लीट सिलेक्ट कर लें और कहीं पे भी ऊपर अल्फ़ाबेट की लाइन में जाके डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरी तरह से कंप्लीट सभी कॉलम एक जैसे हो जाएंगे एक साथ में। तो ये आप देख रहे हो इस प्रकार से हमने कर दिए हैं। सबसे पहले हम रोल नंबर, तो रोल नंबर हम नंबर के हिसाब से यहाँ पे डालेंगे। आपको समझाने के हिसाब से हम ये रिजल्ट शीट बना रहे हैं। इस प्रकार से हमने एक नंबर से लेके 10 नंबर तक कंट्रोल के साथ में ब्रेक कर लिया है। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखेंगे, ये हमने स्टूडेंट नेम लिखे हैं।
अनिल, सुनील, उसके बाद में अमित, ये हमने अमित लिखा है, उसके बाद में प्रिया, ये हमने प्रिया लिख दिया है, फिर उसके बाद में जिया, ये हमने जिया लिखा है, फिर ऋतु, उसके बाद में हम लिखेंगे कृष्णा, ये हमने कृष्णा लिखा, फिर राहुल, हमने राहुल लिखा है, ये महेश है, और लास्ट में है किंजल। इस तरह से हमने सभी के नाम लिख लिए हैं। अब दोस्तों, अब यहाँ पे देखोगे कि हमने सबके नाम लिख दिए हैं, अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हो मार्किंग में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं। अभी हमको यहाँ पे चार सब्जेक्ट ही दिख रहे हैं, एक सब्जेक्ट शायद हमने मिस कर दिया है, तो वो हम बीच में से कैसे कालम बढ़ाएंगे वो भी आप देख लो। तो इस प्रकार से हमने कालम, जहाँ से हमने कालम चाहिए वहाँ पे हमने कर्सर ले जाएंगे और राइट क्लिक करके इंसर्ट में जाएंगे, और इंसर्ट में जाके कालम पे चेक लगाएंगे और ओके करेंगे, तो ये हमारा एक नया कालम वहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट का नाम डालेंगे, कंप्यूटर, ये हमने नाम डाला। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसमें कि हम सबके अलग अलग मार्किंग करने के बजाय अगर हम एक साथ में सबकी मार्किंग कर दें तो कितना अच्छा रहेगा। तो हमने जितने एरिया में भी हमें मार्किंग करना है वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हमने, उसके बाद में हमने यहाँ पे इक्वल लगाया, यह फार्मूले का यूज़ होगा, और आर ए एन डी जैसे हम लिखेंगे तो सेकंडली आप देख रहे हो सेकंड लाइन में ये आ गया है, इस पर डबल क्लिक करके हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे ब्रैकेट के साथ में, और यहाँ पे हमें कितने नंबर से कितने नंबर के बीच में इनको मार्किंग करना है। तो ऑफिशियली मतलब जैसे देखे जाए रिजल्ट में 33 से 99 तक होता है, तो हम वही डालेंगे, 33 कामा लगाएंगे, 99 ब्रैकेट बंद करेंगे हम, ये ब्रैकेट बंद करा हमने, और जैसे ही कंट्रोल के साथ में इंटर करेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और ये देखिए सबके मार्किंग अपने हिसाब से सब कंप्लीट हो गई है। देखिए आप, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा, आप देखिए फिर से, मेरे हिसाब से अगर देखे जाए तो सबसे इजी और ये आसान तरीका है। आप एक बार फिर से देखिएगा, इक्वल लगाया हमने, सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया, सॉरी, सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम आर ए एन डी, और ये सेकंड जो आ रही है लाइन ये हम डबल क्लिक करके सबमिट कर लेंगे, फिर 33, फिर कामा 99, ब्रैकेट बंद, और कंट्रोल के साथ में इंटर करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं पूरी तरह से मार्किंग हो गई है। अब हम यहाँ पे टोटल करेंगे, टोटल का सूत्र लगाएंगे, फार्मूला इक्वल, ये हमने इक्वल लगाया, ठीक है, इक्वल के बाद में सम लिखेंगे हम ब्रैकेट, और जहां से भी हमें टोटल करना है वहां से हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, ये सिलेक्ट हो गया है, उसके बाद में ब्रैकेट बंद और इंटर, ये सारे टोटल हो गए हैं, सम हो गया है यहाँ पे। ये एक तरीका है सम करने का। अब हम दूसरा तरीका देखेंगे कि हम इसे टोटल
सिलेक्ट कर लेंगे और एक लाइन खाली भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, और हम जैसे ही सम पे जाएंगे ऑटो सम करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सम हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है। अब एक तरीका और है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे और एक्स्ट्रा भी सिलेक्ट करके डायरेक्ट सम पे जाएंगे तो ये हो जाएगा, और इसी प्रकार से हम उसे ट्रैक कर देंगे। ये तीसरा तरीका है। जैसे हम ट्रैक करेंगे सब टोटल होके हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा। आपको जो भी अच्छा तरीका लगे दोस्तों इसमें से आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम मैक्सिमम निकालेंगे, मैक्सिमम का सूत्र लगाएंगे, फार्मूला इक्वल लगाएंगे हम, फिर लिखेंगे हम एम ए एक्स। मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद में हमें जितना जितने सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करना हो वो हम कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, और जैसे इंटर करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या, मैक्सिमम का मतलब वही होता है कि सारे सब्जेक्ट सारी संख्या जो भी है उसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो निकल आई, हम उसको सिलेक्ट करके ट्रैक कर लेंगे तो सबके सब्जेक्ट के जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारे सामने आ जाएगी। अब हम मिनिमम या मिनिमाइज निकालेंगे, इक्वल एम आई एन करेंगे, ब्रैकेट, फिर वही करेंगे हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये सिलेक्ट कर लिया हमने, ब्रैकेट बंद, और इंटर करेंगे तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। अभी हमने जैसे पिछली बार बड़ी संख्या निकाली थी, अब यहाँ पे हमने छोटी संख्या निकाली है, इसे ट्रैक कर लेंगे तो ये छोटी संख्या आ जाएगी। अब टोटल मार्क्स 5 सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट का 100 नंबर का रहता है पेपर, 5 सब्जेक्ट के 500 पूर्णांक हो गई, ये हमने लिखा, ट्रैक कर देंगे, सारे स्टूडेंट के 500 के पूर्णांक हो जाएगी। अब हम निकालेंगे एवरेज, एवरेज निकालेंगे कि कितना प्रतिशत बना है पर स्टूडेंट का, तो उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे इक्वल, और जो टोटल मार्क्स उसे मिले हैं, जैसे एच है, एच 4 की लाइन में, रो की लाइन में है, तो एच 4 करेंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे, और टोटल जो मार्क्स मिले वो लगा के हम जैसे इंटर करेंगे तो इस प्रकार से इसका प्रतिशत निकलेगा। यहाँ पे हमें प्रतिशत दर्शाना है, आप प्रतिशत पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको प्रतिशत बता देगा, हम उसे वैसे ही ट्रैक कर लेंगे नीचे तक, तो सारे स्टूडेंट का प्रतिशत निकल आएगा, आप देख सकते हो। इसी प्रकार से हम रिजल्ट अब निकालेंगे कि कौन बच्चा पास हुआ है और कौन फेल हुआ है। तो अब देखेंगे हम फार्मूला पास फेल का, इक्वल लगाया हमने, फिर लगाएंगे इफ लगाएंगे हम, ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट, उसके बाद में हम लगाएंगे, अब यहाँ पे देख रहे हो एल और फोर की रो में है तो एल फोर कर देंगे हम, ये देख रहे हो आप, एल फोर करेंगे हम, फिर ग्रेटर देन का उपयोग करेंगे, यहाँ पे हम ग्रेटर देन बड़ा है बराबर है, हाँ। अब पासिंग मार्क के लिए होता है 33, तो हम वही करेंगे 33, प्रतिशत भी लगाएंगे क्योंकि हमने एवरेज प्रतिशत में निकाला है तो प्रतिशत का चिन्ह लगाना बनता है, कामा लगा के डबल कामा करेंगे हम। अब यहाँ पे लिखेंगे हम पास, अगर 33 और 33 से ऊपर अगर आता है तो स्टूडेंट पास हो जाएगा, और डबल कामा बन, फिर हम डैश लगाएंगे, फिर डबल कामा, और अगर इससे कम नंबर आते हैं तो स्टूडेंट फेल हो जाएगा, तो हम फेल लिखेंगे, फिर डबल कामा, ब्रैकेट बन, और इंटर करेंगे। जैसे हम इंटर करेंगे रिजल्ट हमारे सामने पास। अब यहां से हम ट्रैक कर लेंगे, सारों के रिजल्ट आ गए हैं। अब उसके बाद में हम निकालेंगे ग्रेड कि कौन सा बच्चा ए ग्रेड में आया है, कौन सा बच्चा बी ग्रेड में आया है। अब ग्रेड का सूत्र फार्मूला है हमारे पास, इक्वल इफ
ब्रैकेट फिर हम वही प्रतिशत में आएंगे L4 लिखेंगे L4 ठीक है। उसके बाद में ग्रेटर देन का सूत्र चिन्ह लगाएंगे बराबर और 80% से स्टार्ट करेंगे हम, प्रतिशत का भी चिन्ह लगाएंगे, कामा देंगे हम डबल कामा डबल कामा दिया हमने, डबल कामा देने के बाद में ए लिखा हमने, ये हमने डबल कामा लिखा है, हम ग्रेड लिखेंगे यहाँ पे ए ग्रेड कामा बन। फिर हमने यहाँ पे हम डैश फिर इफ फिर ब्रैकेट सेम फार्मूला रिपीट करेंगे हम L4 ग्रेटर देन का चिन्ह बराबर, उसके बाद में साठ प्रतिशत प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे कामा। ये चीज़ मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि प्रतिशत का चिन्ह और कामा, अगर पूरे सूत्र में जरा सा भी हमने अगर कामा या प्रतिशत का चिन्ह या किसी भी प्रकार का हमने चिन्ह नहीं लगाया तो पूरा सूत्र हमारा गलत हो जाएगा। तो आप जब भी सूत्र लगाओ तो इन जरा जरा सी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो ताकि हमारे से गलती ना हो, क्योंकि सूत्र बड़ा है, इसमें टाइम लगता है, इसलिए हम गलती कर सकते हैं, गलती करने की संभावना होती है, तो हमें ध्यान देना ज़रूरी है। फिर हम L4 करेंगे, उसके बाद में ग्रेटर देन का चिन्ह बराबर, फिर 40% प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, आपने देखा मैंने मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे, प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगाया था, ये मैं आप लगा रहा हूँ। इसको फिर हम सूत्रों को आगे बढ़ाएंगे, डबल कामा अब आएगा सी सी ग्रेड डबल कामा बन फिर कामा फिर इफ लिखेंगे हम फिर ब्रैकेट L4 फिर ग्रेटर देन का चिन्ह बड़ा बराबर का, अब आएगा हमारे पास प्रतिशत में 33 बड़ा डबल कामा फिर डी डबल कामा बन फिर कामा फिर इफ इफ लिखा हमने, उसके बाद में फिर ब्रैकेट L4 फिर ग्रेटर देन बराबर 32% से अगर कम आए या 32 भी आए प्रतिशत में तो उसे हम फेल मानेंगे, वो फेल हो जाएगा स्टूडेंट। ब्रैकेट हमने जितनी बार भी ब्रैकेट ओपन किया है उतनी बार हमें बंद करना पड़ेगा, या फिर ऐसा समझ लो कि इफ जितनी बार भी है उतनी बार हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे। तो इफ हमने यहाँ पे काउंट किया है 5 बार है, 5 बार हम ब्रैकेट बंद करेंगे और जैसे हम इंटर करेंगे तो ये आपके सामने रिजल्ट है, ए ग्रेड मिला है, हम इसे ट्रैक कर लेंगे नीचे इस प्रकार से और ये सारे आपके सामने रिजल्ट है, आप देख रहे हो सबको अपनी अपनी ग्रेड मिल गई है ए बी सी जो भी। अब हम रैंक का सूत्र लगाएंगे दोस्तों, हम रैंक का सूत्र लगाने से पहले हमारी जो रिजल्ट शीट बनी है
वो कंप्लीट है। कंप्लीट है से मतलब ये कंप्यूटराइज्ड हो गई है या नहीं हो गई, इसे हम चेक करेंगे। चेक किसे करेंगे कि ये जैसे आप देख रहे हो मार्क हमने जो दिए हैं, मार्किंग जो की है हमने, उस हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज में कम ज़्यादा होता है अगर हम मार्किंग कम ज़्यादा करते हैं तो। तो आप देखोगे यहाँ 88 नंबर आए हैं प्रिया के। अब यहाँ पे हम नंबर कम करेंगे, ये हमने नंबर कम किए हैं, यहाँ पे जीरो करा है हमने। जैसे इंटर करेंगे आप यहाँ पे देखोगे 78 है, उसके मार्क प्रतिशत कम हो जाना चाहिए। ये जैसे आप देख रहे हो कि कम हो गए हैं, 46 बता रहा है। अब इसी प्रकार से हम दूसरे बच्चे का भी, जिया का भी करके देखेंगे, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये 77 है, तो ये कम हो गया है। दोस्तों आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे नंबर कम करते हैं तो यहाँ पे प्रतिशत में भी उसका असर होता है, वहाँ पे भी प्रतिशत कम हो जाते हैं। हम एक बार और करके देखेंगे यहाँ पे, और ये देखिए देखिए आप जैसे उसने 33 से प्रतिशत से कम हुआ तो उसने फेल वाला रिजल्ट बता दिया है। इसका मतलब यही होता है कि ये हमारी जो सीट है ये पूरी तरह से कंप्लीट है, और हमने हमारे जो फार्मूले लगाए हैं वो भी पूरी तरह से सही लगाए हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे रैंक। रैंक का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम लिखेंगे रैंक इक्वल, इक्वल लगाया हमने, आर एन एन के लिखा, ब्रैकेट लगाया हमने। उसके बाद में हम, अब देख रहे हो प्रतिशत हमारा है एल और रो है हमारी 4, एल 4 में, तो हम एल 4 लिखेंगे यहाँ पे। एल 4 लिखा हमने, डैश लगाया, फिर डॉलर का चिन्ह लगाएंगे, फिर हम सिर्फ सिंगल एल लिखेंगे, फिर डॉलर का चिन्ह लगाएंगे, फिर 4 लिखेंगे हम, उसके बाद में डबल कामा, फिर एल 4 लिखेंगे हम पूरा, एल 4 लिखा हमने, और फिर डैश लगा के 0 लिखा, ब्रैकेट बंद, और जैसे इंटर करेंगे ये हम आपके सामने आप देख सकते हो रैंक निकाल ली है और पूरी हमने ड्रैग कर ली है। 1 से लेके 10 तक जो स्टूडेंट थे हमारे वो सारे रैंक में आ गए हैं। आप जैसे देख सकते हो पूरी तरह से हमने ये रैंक निकाल ली है। इस प्रकार से हम हमारी मार्कशीट बना सकते हैं, ये हमने मार्कशीट बनाई है। अब इसे थोड़ा सा और डेकोरेशन में करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में हम इसमें बैकग्राउंड कलर दे देंगे जिससे थोड़ी सी ये अच्छी दिखे। तो आप जैसे देख रहे हो दोस्तों ये हमने मार्कशीट कैसे बनाई जाती है, इस प्रकार से बनाई जाती है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो और हमारा चैनल अच्छा लगा हो आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम और भी ऐसे वीडियो हम आप तक पहुंचा सके जिससे आपका नॉलेज बढ़े। जय हिंद, वंदे मातरम।